गौड़देश शेषे सवार चरण बंदो करिया प्रणासी जदेशे गौरांगे रगाना करी बंदो सवार चरण कया से बिना प्रभु जातनाथ चरण बंदो दंत करिया ब्रह्मांड तरी ते थी डर जानी जाने ये पुराण गुण गाय देव महाप्रभु बना सब पार्टिता पवन ताइलो में मुई पापी लाइनो शरणा बंदना करी दे कात शक्ति धारी जो मुझे दुसे मुई दम्ब मात्र करी तथापि मुखेरा भाग्य माने राहुल दोष जामी मोह में करनी जगाता जाम बंद चूके जगते दुनवाया प्रेम दान दूते मने रावसना पुनः आज रात आया देव की नंदना दास हे लोग जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर चैतन्य प्रभु निरानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिव शति गौरवान्तवेन्द नीताय नमामि अमर नीताय गो नमामि आनिया प्रेमेर वन्या वासयो वनि प्रेमे वन्यलयानिताय अयल गौड़देशे डूबिलावकत दीनहीन भाषे दीनहीन पतित मरनाहि भाषे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सावकार जाजे आवध करुणा सिंधु काटिया मुहान गर गर भूले आमियार लोचन बल मोरा देवना सुनियासे आत्मघाति है गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि भले नयन भगनी आर गगनीताई चंदे करुणा है वे विषया छड़िया कवे चुदा विमान कवे आम हे त्रिवृंदवन
परघुनाथ पदे हाइवे आपूति काव्याम बुझावते युगल प्रीति परघुनाथ पदे राघु मोर हाथ प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास चिदानन्दमृत परतत्त्वाक्षरकार कृपा करि नाम रूपे अवतरि जीवे दया करि मुनिवृन्द निरन्तर जेनामेर समादर हरिगा जगि पुनाजन हरे जिनाकीर्तन नाहि देखि अन्य प्रतिकार भगवति उग्रताप दूरे जा लिंग गणगणताए जनेर रोल प्रेम ढल ढल सुनर चरणी नूपुर भागे मुकुंद माधव यरव बलरे बलरे बदन भारी विजय निरावे दिवस हरे आस दिन बेला बोली हरे व्यस तबे नरे आल नव जरी दया पाया की कर भावना बजे यशोदूत चरमे पड़ी बेला जीवन जनहार दायन विद विपद नम जगते आति मधुर नाम अविद्यति मेरा सपन रूपे रे गगन विराजे
ज्ञान सुंदरा मुझस् ज्ञानांजन सलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर सुदासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आ गया बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रतिष्ठम विष्णुपाद यशोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरू सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत वर्षाष्टम धनवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद यशोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपाधि सामृत है। श्रीला प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया है, कर्तव्य बुद्धि हई ते जहाँ करा जाए कहा की भक्ति समझेंगे। कर्तव्य बुद्धि से जो किया जा रहा है वो क्या भक्ति है? इसलिए कर्तव्य बुद्धि से जो किया जाता है वो क्या भक्ति है? क्या तो प्रभुपाद कहते हैं कर्तव्य बुद्धि कृतज्ञता प्रवृत्ति मनिर वृत्ति। ये जो कर्तव्य बुद्धि हम जिसको कहते हैं है? और जिसको कृतज्ञता कहते हैं है? उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मन का वृत्ति है। क्योंकि ये आत्मा वृत्ति व आत्मधर्म नहीं। यदि आत्मा का वृत्ति भी नहीं है ये आत्मा वृत्ति भी नहीं है। इसको हम कर्तव्य मानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हमारी ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? पिता माता की सेवा करना कर्तव्य है, देश का सेवा करना कर्तव्य है, भाई बंधु का प्रति करना कर्तव्य है। हम कहते हैं ये हमारी कर्तव्य है हैं? और कभी कभी कहते हैं हाँ कहते ये जो कृतज्ञता कृतज्ञता मतलब क्या है? किया हुआ जो भलाई को भूलना नहीं उसको कहते कृतज्ञता। कहते जो है कहते किसका वृत्ति? कहते आत्मवृत्ति नहीं ये मन का वृत्ति। या आत्मवृत्ति नहीं क्योंकि आत्मा का वृत्ति क्या है? कहते जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का असली स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है भगवान की नित्यता सत्व। हम का उसका संतान है। जब संतान है हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करना ही ये कर्तव्य है। इसलिए जो भक्ति का जो डेफिनेशन दिया सा परानुरक्ति ईश्वर ही। जब भगवान के प्रति जो सर्वश्रेष्ठ अनुराग है सभी गुण सा परो धर्म जब तो भक्ति रे आहुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्ध। कहते आत्मा को तब भी संपूर्ण रूप में शांति मिलेगी। सवई मतलब क्या है? वई मतलब होता है निश्चित। संस्कृत शब्द में जो वई शब्द प्रयोग होता है कहाँ पर है? जहाँ दृढ़ विश्वास और निश्चिंत रूप में बताते हैं क्या है जीव का सवई पुरुषान पुरुष मात्र का श्रेष्ठ धर्म क्या है? जब तो भक्ति रे भगवान के प्रति भक्ति करना ही इसका निश्चित रूप में यही एक कर्तव्य है। इसमें जरा क्या होता है भक्ति कैसे करनी चाहिए? अहल दुखी भक्ति में कोई हेतु नहीं रहता। भक्ति में कोई हेतु नहीं रहता। हम इसलिए कर रहे हैं हमें ये मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं न धर्म धर्म न अधर्म श्रुतिगण निरुक्तम तिलक। शास्त्र में जो बताया धर्म और अधर्म है दोनों को मिल जाए। फिर क्या करो ब्रज प्रचुर परिचय
कर यह राधा कृष्ण ब्रज में राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या करो, इसलिए ना धनम न जनम न सुंदरी कविता मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवता भक्ति आई। इसलिए ये भक्ति का जन्मने से नहीं है, हमें धन जन यौवन पुत्र परिवार हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए इस जन्म में जन्मांतर जैसे आपके चरण में आई टूटी बिना कारण की जो प्रेम हो भक्ति रखी नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर कहते हम करते भी मान कर जो करते हैं तो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। इसलिए ये आत्मा की वृत्ति नहीं करती है, मन का वृत्ति है। कर्तव्य बुद्धि र क्रिया मन न बुद्धि अहंकार ऊपर और भक्ति की आत्मा भूमिका है। कभी जो कर्तव्य बुद्धि हम जिसको कहते हैं है? जो कर्तव्य बुद्धि हम जिसको कहते हैं इसका जो क्रिया है किसको पर होता है कहते मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और ये अहंकार ऊपर में ये कर्तव्य बुद्धि है। लेकिन जो भक्ति का जो क्रिया है इसका क्या है बल्कि इसके लिए आत्मा की वृत्ति, ये आत्मा की वृत्ति भक्ति है। इसलिए कर्तव्य बुद्धि जिसको करते हैं ये भक्ति नहीं है, कर्तव्य बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, इसको ऊपर में हमें उठना पड़ेगा, कर्तव्य बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए जहाँ आउट ऑफ प्योर लव नहीं तहाँ शुद्ध भक्ति नहीं, इसलिए प्रीति सहित जहाँ करा जाए तहाँ शुद्ध भक्ति। इसलिए शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं अरे जो वृत्ति को साथ में क्या है, इसलिए पता है भक्ति दो तरह का कहते एक वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति। वैद्य भक्ति किसको कहते हैं अरे शास्त्र के शासन के अनुभूति करते हैं, शासन की शास्त्र शासन क्या शास्त्र का शासन है, तो शास्त्र का शासन है सवेरे सुबह उठनी चाहिए जल जल के ऊपर है नहा धो के अपना तिलक लगाओ अपना गुरु मंत्र को जप करो कीर्तन करो सवेरे सवेरे जो स्तुति स्तव वंदना करो है और हरिनाम करो अपना हरिनाम करो सब जो शास्त्र जो विधि विधान बताया गया और गलत रास्ता पर मत जाया करो गंदे रास्ता को परित्याग करो, ये शास्त्र का शासन है। यदि ये शास्त्र का शासन के अनुरूप जो कहते हैं यदि इसको कहते हैं ये वैधि भक्ति है, ये वैधि भक्ति। राग भक्ति किसको कहते हैं, राग भक्ति इसको कहते हैं जो स्वाभाविक रूप में इष्टे स्वारस की राग जो भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में उनके भक्ति किए बगैर हम रह नहीं सकते, जब ऐसे वृत्ति जग जाएगा जब ऐसे वृत्ति हमारी जग जाएगी भले ही खाए बगैर हम रह सकते हैं लेकिन भजन के बगैर हम रह नहीं सकते है, भजन के बगैर रह नहीं सकते। जैसे गोपियाँ कहती हैं ना जैसे कृष्णा उद्धव जी गोपियों को बोले बोले गोपियाँ कृष्ण तो सर्वत्र है जहाँ ध्यान करो तो वहीं पर कहाँ पर नहीं जन तो ध्यान पर ना, लेकिन गोपियाँ क्या कहती हैं कहते हम उसको बोलना चाह रहे हैं तुम घर को ध्यान करो तब तक तो हम सही थे जब तक उसको हमने याद नहीं किया, जब से याद किया पता नहीं क्या हुआ ये मन का हमारी पागल हो गया। ये आँखों को समझाते हैं देखना तो कृष्ण को छोड़ कर और कोई चीज़ को देख लेकिन ये आँख ऐसे नहीं होंगे जहाँ नेत्र पड़ता है कृष्ण जहाँ नजर पड़ता है भरी कृष्ण कृष्ण काला के सिवाय और कुछ ही दिखता नहीं, मैं को देखे तो उनको क्या स्मरण होता है मैं को ये कृष्ण है। किसी कमाल वृक्ष को देखे कमाल वृक्ष को देखते ही कृष्ण ही स्मरण होता है और कमाल को ये कृष्ण बोल करके आलिंगन करते हैं, मेघ को देख करके कृष्ण मान कर कृष्ण के साथ में ये बात करती है, मेघ को कृष्ण मान करके बात करती है। इसलिए और कभी ये प्यार को समझाते हैं तुम जमुना के किनारे मत जाओ जहाँ पर कृष्ण के साथ हम लोग नहीं लग हो जाएगा तो उधर ही जाएगा और कहीं जाएगा नहीं, कान को हम समझाते हैं सुनना तो और कोई चीज़ सुना लेकिन कृष्ण की बंसुरी की आवाज़ में सुना, लेकिन कान में जाएगा तो कृष्ण की बंसुरी की आवाज़ में छोड़ रहे होती जीवा को हम समझाते हैं अरे बहुत जगत में बहुत सारी बात दूसरी बात करो ना कृष्ण बात क्यों करते हो, यदि वो ऐसी निगोड़ी मुँह से निकलेगा तो कृष्ण की नाम छोड़ कर गुणगान करके निकलती
जब यही से हमारी वृत्ति आ जाए ना, कृष्ण भजन के बगैर हम रह नहीं सकते हैं, कृष्ण भक्ति के बगैर हम रह नहीं सकते, तब समझनी चाहिए हमारे कुछ हो रहा है, हमारे कुछ हो रहा है। अगर नहीं तो दुनियादारी बात में लगे तो भक्ति सारा दुनिया की बात होकर इन्हें भगवान की कोई संबंध नहीं। हंसी दिल की कर रहे तो हंसी दिल की कर रहे हैं, इधर उधर चीज में लगे हुए तो लगे हुए प्रभु के भक्ति छोड़ दिया, दूसरे चीज में लगे ही दिन भर उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जब ऐसे मन में भावना आए और थोड़ी सी समय वो भी कृष्ण भजन के सिवाय, कृष्ण नाम के सिवाय, कृष्ण कीर्तन के सिवाय थोड़ी सी भी कहीं अगर समय लगता है, अगर उसके बाद एक धिकार आने लग गया है, अरे हमने क्यों बेकार इस समय इतना समय अगर भजन में लगा तो लाभ होता, बेकार समय हम इतने करने क्यों अपने विकार को समय में बर्बाद। जब ये चीज़ हमारे मन में आ जाए ना भावना, समझनी चाहिए फिर समझ की भक्ति हो रही है, भक्ति हमारी कुछ हो रही है। इसलिए कभी भी समय को उल्टा पुलटा इधर उधर नहीं लगानी चाहिए हैं, इसलिए यदि आत्मा की भक्ति नहीं ये सबके सब क्या हो जाएगा, सबके सब ये सबके सब क्या हो, ये सबके सब भक्ति से बाहर हो जाए, ये आत्मा वृत्ति नहीं है, सब मन का वृत्ति है और जो कर्तव्य बुद्धि में सब ये मन की वृत्ति, ये आत्मा वृत्ति नहीं है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं को जो चीज प्रीति को साथ में की जाती है, ममता को साथ में की जाती है, प्रीति को साथ में की जाती है। इसलिए इसमें हमारे महाराज बोल रहे थे, जब हमारे कोई परिवार से कोई लोग आ जाते ना, उसका प्रति हमारे कितना मना पता ना, कितना प्रति हमारे परिवार में होता है, हम का है कोई महाराज को बोले इतना। लेकिन जैसे परिवारों के लिए हमारे से प्रति, लेकिन जब हम भक्तों के लिए ऐसे प्रति हैं, भक्तों लोगों के लिए ऐसे प्रति, उसे क्या समझनी चाहिए हमारी प्रति सही रास्ता पर जाए हैं, जैसे अपना परिवार का प्रति। इसलिए कहते हैं विषय जे प्रीति है वे आचार्य हमार सही मत प्रीति हो चरणे कुमार, अर्जुन ठाकुर का प्रभु है प्रभु विषय जे प्रीति है वे आचार्य हमार, जैसे अभी हमारी रुचि विषय में, अगर ऐसे अगर तुम्हारी चरण में अगर ऐसे प्रीति हो जाए प्रभु तो हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। हम देखो मन को इधर उधर चीज में लगाने के लिए कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है। मन स्वाभाविक रूप में विषय में अपने आप जाता है, स्वाभाविक रूप में उसको बोलने का जरूरत नहीं। कहते हैं मन जब ऐसे ही स्वाभाविक रूप में भगवान की प्रति वैष्णव और गुरु का प्रति जब स्वाभाविक रूप में जाए ना, समझना बास काम बन गया। इसलिए हमारे पति नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे अगर इसी जीवन में, महाराज कहते अगर इसी जीवन में हम साधन करते 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 अगर रुचि तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए, रुचि तक, अगर इस जीवन में हम किसी तरह से रुचि तक अगर पहुँच गए तो महाराज कहते समुद्र तुम्हारी जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। रुचि मतलब क्या, किसी चीज़ में आसक्त रुचि जैसे कोई बढ़िया चीज़ बनाने हाँ बढ़िया बड़ा प्यारा लगते हैं और थोड़ा दो और थोड़ा दो, इसी तरह से जब हरिनाम का प्रति गुरु वैष्णव के प्रति ठाकुर जी का प्रति जब हम उस स्वभाव के रूप में हमारे रुचि तक पहुँच गए ना, महाराज का समझना बस ये जीवन तुम्हारे धन्य हो गया, अभी जीवन में नई भक्ति और बढ़ करके प्रकट होगा, बढ़ करके प्रकट होगा। इसलिए वो स्थिति को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 घंटा में क्या उनकी कथा सुनना, उनके नाम करना, उनका कीर्तन करना, उनकी भक्ति करना, जब उसको पूरा पूरा लगे रहेंगे तभी वो स्थिति आ सकती है, तभी वो स्थिति आएगी, नहीं तो वो स्थिति सहज में नहीं आने वाली। इसलिए कठोर साधन की जरूरत है, कठोर साधन की जरूरत है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ड्यूटी इज बट ए रेगुलेशन, मतलब जिसका हम ड्यूटी कहते हैं तो कहते रूल रेगुलेशन के अंदर में, हाँ ये केवल ड्यूटी के लिए हाँ करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर गुरु वैष्णव क्या बोलेंगे, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए उसको करते हो बुद्धि से हम क्या करते, नहीं अगर मंगला नहीं आएंगे सब नंबर डांट लगाएंगे
गाली देंगी, अगर कीर्तन में नहीं बैठे तो क्या बोलेंगी, हैं अगर कथा में नहीं बोलेंगे तो करता नहीं। अगर इसी बुद्धि से हम जो काम करते हैं ना, वो कर्तव्य हो गया, वो कर्तव्य हो गया, नहीं ये ड्यूटी हो गया, ये कर्तव्य हो गया। इसलिए लेकिन इसको स्वाभाविक रूप में जब आप करने लग जाएंगे, लेकिन पहले दिन तो आएगा नहीं, पहले पहले चीज नहीं आएगी। इसलिए पहले कैसे करना पड़ेगा, पहले तुम्हें कर्तव्य बुद्धि से ही करना पड़ेगा, पहले पहले तुमको कर्तव्य बुद्धि से करना पड़ेगा, हैं करना पड़ेगा कर्तव्य बुद्धि से, लेकिन कृतज्ञता बुद्धि से करना पड़ेगा। लेकिन करते 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 यही चीज ही धीरे 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 करते 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 पूरा आत्मबुद्धि से बदल जाएगा। ना जो छोटा बच्चा है जब स्कूल पहले पिता माता भेजते हैं ना, है मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पर जहाँ हमारा मंदिर है उसके पास में एक स्कूल है, और वहाँ पर क्या करते हैं इसका माल ला करके सवेरे सवेरे माल ला करके स्कूल में ले जाते हैं, और देख रहे वहाँ पर एक गेट है और गेट है, और देख रहे माँ झट वहाँ पर जो एक मैडम है झट गेट को बंद कर देती है, बंद कर देती हूँ बच्चा इतना रोता नहीं, हमारे पास थे होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो अंदर में कुछ दिन हो गया ना वहाँ, उनको पिता माता की याद नहीं आता है, क्योंकि वो चाहता है स्कूल जाए, क्यों वहाँ पर बराबर उम्र के बच्चे हैं, बराबर उम्र के बच्चे उनके साथ में जब खेलना कूदना शुरू कर देते हैं ना, फिर तो अपने आप उसको रुचि लग जाती है, अपने आप रुचि लग जाती है। उसी तरह भक्ति भी यही सही है, पहले हमें दैवी भक्ति को ठीक ठीक से करना पड़ेगा। ये भक्तिमन ठाकुर कहते हैं विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न जाने राग मार्ग कराम रत, मतलब है जब विधि भक्ति को हम ठीक ठीक से करेंगे फिर क्या होगा, भगवान स्वाधीनता रत्न दाने, फिर भगवान को एक दिव्य रत्न प्रदान करते हैं, क्या है बोले राग मार्ग कराम रत, भगवान धीरे 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 उसको राग मार्ग में प्रवेश कराते हैं। लेकिन किसको किसको कराएंगे, जो विधि भक्ति को सही से उपयोग करेगा फिर राग मार्ग में धीरे धीरे में राग मार्ग में प्रवेश होगा। आत्मा वृत्ति व धर्म बोलो भक्ति, और मनोवृत्ति धर्म बोलो कर्तव्य बुद्धि। आत्मधर्म ही एकमात्र मंगल रास्ता, आत्मा वृत्ति धर्म बोलो भक्ति। आत्मा का वृत्ति क्या है, उसका वृत्ति क्या है, भक्ति, क्योंकि जो आत्मा कौन है, हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है ईश्वर का अंश है, जैसे भगवान अविनाशी आत्मा भी अविनाशी अमर, जैसे भगवान पवित्र है आत्मा भी पवित्र है, हैं आत्मा भी पवित्र है, इसलिए अमर चेतन आत्मा भी चेतन, सुख राशि सुख का ढेर। लेकिन कहते सो माया बस भय गोसाई बनिए मरकट की बिनाई, ये बड़ा सुंदर उदाहरण, जीव का शुद्ध पवित्र है लेकिन सो माया बस भय गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे जो पवित्र आत्मा तो माया के बसे होते हैं, उदाहरण दिया बोले कैसे, बोले मरकट और कीट न्याय, मरकट मतलब बंदर, जो बहेलिया बंदरों कैसे पकड़ती है, तो क्या करेंगे बंदर को दिखा दिखा करके ना एक गड्ढा खोद देंगे, गड्ढा खोद करके उसके अंदर कलसी डाल देंगे, और कलसी का जो मुंह होगा वो छोटा सा होगा, हैं और उसको दिखा दिखा कर कोई फल उसके अंदर डालते हैं, बंदर ऐसे देखता रहता है क्या फल देखता है ना, और उसका मुंह उतना बड़ा होता है जितना बड़े उसका हाथ घुस सकता है, उतना बड़ा है, उतना बड़ा होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा, और जब ऐसे पकड़ लेता है ना फिर हाथ होता है बड़ा हो जाता है, जब निकालना चाहेगा क्योंकि मुंह उतना बड़ा होता है, बंदर वहाँ देखता फल देखता है ना, बंदर वो क्या करता है उसको दिखा देकर फल को डाल देगा, डाल करके पेड़ के नीचे छुप कर बैठ जाएगा भाई, हाँ बंदर देखते ही लपक कर जाएगा, हाँ करके उसके अंदर में हाथ डालेगा, हाथ डाल कर जब उसको पकड़ लेगा हाथ बड़ा हो जाएगा ना, जब निकालना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसको ऐसे लगता है जैसे मानव कोई अंदर से मेरा हाथ किसी ने पकड़ कर रखा, लेकिन उसका हाथ को कोई पकड़ कर नहीं रखा, वो खुद ही कहते वो खुद ही वो उसको पकड़ कर खुद रखा है,
लेकिन उसको कोई पकड़ कर नहीं रखा, लेकिन उसको महसूस क्या होता है जैसे अंदर से भी पकड़ कर रखा। देखो क्या उदाहरण दिया उसको, इतना सुंदर उदाहरण। हमें संसार में कोई पकड़ करके नहीं रखा, हमें संसार में कोई पकड़ करके हमें कोई नहीं रखा, हम खुद पकड़ कर रखते। हम कहते ना अरे अमन की वजह से सो गया, ये अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाँ अभी हमारे ये करना है वो करना, हम सोचते हैं ना। महापुरुष जितने उम्र में सन्यासी, जिस उम्र में घर में माँ 26 साल उम्र में घर में एक वृद्ध माता कोई नहीं, घर घर में पत्नी 17-18 साल के उम्र उसमें थी, इतने कम उम्र पिता पहले चले गए, बड़े भाई पहले सन्यासी हुए, और उसी अवस्था में महाप्रभु ने सब कुछ त्याग दे करके सन्यास हैं, सन्यास बने। लेकिन इसलिए हम क्या सोचते हैं, हम नहीं रहेंगे तो फिर कौन करे, जैसे सारे दायित्व हमारे ऊपर, सारे दायित्व जैसे हमारे ऊपर सारे दायित्व आ गई है, इसलिए हम सोचते हैं हम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, करने वाले कौन है भैया, करने वाले ठाकुर है, करने वाले ठाकुर है। हमको लगता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा है। कितने कितने परिवार में देखो, उसका दो दो तीन तीन चार चार बच्चे हैं, किसी बच्चे लेकिन इसी अवस्था में पिता ही चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, फिर सुंदर बच्चे पाल कोई दिक्कत नहीं। हम हला नहीं जाते हैं वहाँ पर, जो शशि बुला देती है वो खेत में तीन बहन और दो भाई हैं, उनको पिता से अब कम उम्र में चले गए, कम उम्र चले गए, लेकिन सबके सब परिवार को भक्ति में लगे थे, उनका बच्चे बड़े अच्छे अच्छे काम हैं, बहुत बढ़िया काम है, और उनका बेटी बड़े अच्छे काम है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पैसा कमा रहे, कमा कर खूब भूल वैष्णव की शुभ सेवा कर रहे हैं, दीप खोल करके भूल वैष्णव की सेवा करते हैं, लेकिन पिता कम उम्र में चले गए थे, हैं चले गए थे, लेकिन सब कुछ करने वाले ठाकुर कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को लालन पालन किया। इसलिए कहते हैं हमें कोई पकड़ करके नहीं रखा, हम स्वयं पकड़ कर रखे हैं, हम स्वयं पकड़ा, उसको लगता है इसे पकड़ा लेकिन कोई हम पकड़ा नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया कीट, कीट मतलब होता है तोता, तोता को जो बहेलिया पकड़ते हैं कैसे करते हैं, वो ऐसे होता होता है उसको ऊपर में एक लटका देते हैं कोई फल, और नीचे आकर के तोता बैठ करके खाएगा फल को, जब बैठता है ना उस पर नली जैसे होता है, जैसे हम ऐसे से घुमाते हैं ना पंखे को, ऐसे उसके अंदर नली, उसके अंदर में लकड़ी सा होता है, जब उसके ऊपर बैठ गया ना वो झट क्या होगा घूम जाएगा, वो झट वो घूम जाएगा, जब घूम जाता है फिर तोता नीचे लटक जाता है, जब लटक जाता है उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा हाथ को किसी ने पकड़ कर, लेकिन उसका हाथ को कोई नहीं पकड़ा, वो स्वयं पकड़ कर लटका लटका हुआ टें 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 करना शुरू कर जाता है, जाएगा नहीं भागेगा नहीं, बैल जाएगा बस पकड़ कर ले जाएगा। उसी तरह जो जीव है इस संसार में हमें कोई भी पकड़ करके नहीं रखा, लेकिन हम स्वयं पकड़ कर स्वयं, उसने व्यक्ति उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति ने कोई शराब पीता था, शराब पीता तो वो आकर के बोले, बोले बाबा शराब कैसे छूटेगा, शराब कैसे छूटेगा, तो वो संत ने किया कि अभी पिलर था उसको ऐसे पकड़ लिया, जब पिलर को पकड़ लिया बोले बाबा मैं कह रहा हूँ शराब कैसे छूटेगा, पिलर क्यों पकड़े, बोले देख भैया शराब तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम शराब को पकड़ लेते, शराब तुमको नहीं पकड़ा, तुम स्वयं शराब को तुम पकड़ कर रखे हो, छूटेगा मतलब तुम छोड़ दो छूट जाएगा, छूट देगा तो छूट जाएगा, लेकिन उस पिलर तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम पिलर को पकड़ कर बैठे हो, हैं माया को हम स्वयं पकड़ करके बैठे हो। इसलिए हम प्रभुपाद कहते हैं आत्मावृत्ति धर्म मूल भक्ति, आत्मावृत्ति क्या है भगवान की भक्ति है, और इसलिए एकादश स्तंभ में बताया ना, जगत में आने पर उनको 5 ऋणी में ऋणी चुकानी चाहिए, कौन सा देवता का ऋण, ऋषि ऋणी, पिता माता ऋणी, और कहते हैं कहते राज ऋणी, जीव ऋणी, अपने नाम पितृ नाम ऋषि ऋणी, ये सब 5 ऋणी से तुमको
सर्वात्मना जो शरणम शरणम, जो संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है उसको ऋणी देखो सुले अपने आप उसका सारे ऋण हो जाते, सारे ऋण हो जाते। लेकिन कभी पिता माता का ऋणी इतना नहीं, तुम कितने जन्मों में भी पिता माता का ऋणी कौन चुका नहीं सकते, कितने पिता माता के हम ऋणी, एक ऋणी चुकाने के लिए तो जब सारे ऋणी बच रहे थे। लेकिन जब भगवान के शरण में कोई आ जाए तो उसका ऋणी अपने आप सारे ऋणी से मुक्त हो जाता, क्योंकि दुनिया ऋणी ठाकुर से लिया, हमारा दुनिया ऋणी ठाकुर से लिया हुआ है, ठाकुर के शरण में आने पर सारे ऋणी से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए और मनर वृद्धि धर्म हम लोग करते हो बुद्धि, कहते जो मन का वृत्ति और जो कहते धर्म करते हो बुद्धि, ये बोलो मन का वृत्ति। इसलिए आत्मा धर्म ही एकमात्र मंगल रास्ता, इसलिए कहते वास्तव रूप में हमारा मंगल कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, तभी जीव का कल्याण होगा जब हम आत्मा धर्म में प्रतिष्ठित होएंगे, आत्मा वृत्ति का जो रास्ता में चलेंगे तभी हमारी कल्याण होगा, हमारे कल्याण नहीं यदि ये कर्तव्य बुद्धि में अगर पड़े रहेंगे तो बस संसार चरण में भटकता रहेंगे। ये कृष्ण गीता में कहते हैं अब ब्रह्म भुवन लोकात् पुनरावृत्ति न अर्जुना, माम उपंत पुनर्जन्म न भूलते अर्जुन, ये तो कर्तव्य बुद्धि से जो कुछ करते हैं कहाँ तक जा सकते हो, पुण्य करके तो ब्रह्म लोक तक जा सकते हो, लेकिन खिन्न पुण्यम पुण्य खन्नम खत्म होने पर वापस आना पड़ेगा। जो जितने बड़े धर्म तुम नहीं करो फिर तुमको संसार में वापस आना पड़ेगा, दो बार आना पड़ेगा है। लेकिन जब आत्मा वृद्धि में कोई प्रतिष्ठित हो जाए माम उपम से पुनर्जन्म अर्जुन, तो कोई आत्मा वृद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए फिर वो पुनर्जन्म नहीं करते। इसलिए हमें कौन सा धर्म में प्रतिष्ठित होनी चाहिए, हमें आत्म वृत्ति प्रतिष्ठित होनी चाहिए, मन वृत्ति नहीं और कर्तव्य वृत्ति में हमें प्रतिष्ठित नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हम कहते हैं ना भक्ति का जो लक्षण है अन्याभिलाषिता सुनम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम ये उत्तम है, संपूर्ण रूप से अन्याभिलाष छोड़नी चाहिए। इसलिए किसने प्रभुपाद से पूछा, मतलब प्रभुपाद जो हम कहते हैं कोई अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं अन्य अभिलाष परित्याग करो, भगवान की भक्ति के सिवाय जितने सारे अभिलाष है उसको त्याग दो है, और ज्ञान कर्म के द्वारा आवृत नहीं हो, जो काम करने से भगवान संतुष्ट होते हैं वो काम हमें करनी चाहिए, कभी अन्य अभिलाष देते किसको है, इसको कहते किसको। तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, बोले जगत जत क्षण थाकी वो केवल इंद्रिय तर्पण ही करी वो हे रूप इतर अभिलाष ही अन्य अभिलाष। मतलब प्रभुपाद एक लाइन में बता दिया जो भक्ति का जो डेफिनेशन है दूसरा अभिलाष को त्याग देनी चाहिए। दूसरा अभिलाष क्या, दूसरा अभिलाष ये है बोले जगत में जब तक हम रहेंगे केवल अपना इंद्रिय तर्पण, अपना इंद्रिय कैसे खुश हो, अपने कान में कैसे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गाना सुने, कैसे आँख में कैसे सुंदर सुंदर वीडियो देखे, सुंदर सुंदर सिनेमा देखे है, उल्टा पुल्टा चीज़ कैसे देखे, जीवा में कैसे उल्टा पुल्टा चीज़ खाए हैं, स्पर्श इंद्रिय कैसे वो करे, नासिका में कैसे हैं सुंदर सुंदर सेंट और कैसे ग्रहण करें। उसके तक जगत में जब तक रहेंगे क्या करेंगे, केवल अपना इंद्रिय जिसको साथ में भगवान से कोई मतलब नहीं, जिसमें साथ भगवान की कोई संबंध नहीं है, केवल अपना इंद्रिय तर्पण, अपना इंद्रिय तर्पण हम करेंगे तब इसको कहते हैं अन्याभिलाष का अन्याभिलाष। इसलिए जब तक रहेंगे जगत में क्या करेंगे, तब क्या करेंगे बोले कृष्णानुशीलनम है, तब जो काम करने से गुरु वैष्णव संतुष्ट होंगे, जो काम करने से भगवान प्रसन्न होंगे वही काम को करेंगे। अनुकूल से संकल्प जो भक्ति का जो अनुकूल हो ही भक्ति अनुकूल, मतलब जो गुरु वैष्णव भगवान जिसमें संतुष्ट हो
वही काम ही हमें करने चाहिए। जो काम करने से गुरु वैष्णव भगवान संतुष्ट नहीं है वो काम को हमें नहीं करनी चाहिए, इसको संकल्प करनी चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प अप्रतिकूलस्य विवर्जनम्। अनुकूल को ग्रहण करो और प्रतिकूल चीज को त्याग दो। क्योंकि यही भक्ति की इसको तरह क्या होगा, इसको तरह भगवान संतुष्ट होते हैं। जो काम करने से भगवान संतुष्ट होते हैं ये काम हमें करना चाहिए। लेकिन हमारे श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं कि उसमें दो दोष भी दिखाते हैं, कहते हैं अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। अव्याप्ति अतिव्याप्ति समझते हो क्या, अव्याप्ति अतिव्याप्ति। कहते अगर यहाँ पर हम तुम्हें बोलेंगे जो काम करने से भगवान संतुष्ट होते हैं वही काम करो है, वही काम करो, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। यदि जो काम करने से गुरु वैष्णव संतुष्ट है तो वो काम करते हैं, तब लोग ठाकुर की संतुष्टता देखनी चाहिए। लेकिन अगर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अगर चीज़ वो ठीक नहीं तो गड़बड़ी। जैसे उदाहरण देकर समझाए, जैसे चारों मुस्लिम को साथ में भगवान युद्ध कर रहे थे, जब युद्ध कर रहे थे उसी समय में ऊपर से क्या दिखाई पड़ रहा था, भगवान हरे प्रसन्न ठाकुर जी, क्या कृष्ण बलराम जब चारों मुस्लिम को साथ में मल्ल युद्ध कर रहे थे प्रसन्न होकर के छाती में छाती भाव में भाव धंधा में जगह पैंच मार रहे हैं इसको पटका रही है पटक रहा है, कृष्ण बड़े खुश हो रहे हैं। हम बोले भैया तो बहुत अच्छे हैं ये तो भक्ति, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो कृष्ण तो बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा इसमें जिसको साथ में युद्ध कर रहे हैं उसकी क्या भावना है, भक्तों की क्या भावना है, दूसरे का भावना क्या है, चारों मुष्टि का भावना क्या है। थोड़ी सी अगर मौका मिले तो ऐसे पछाड़ दूंगा तुम तो पीस का, उसके अंदर भी भावना है, उसके अंदर भावना ये नहीं कृष्ण खुश हो, कृष्ण तो खुश हो रहे हैं लेकिन उसका भावना है कृष्ण को ऐसे मार डाले। कहते भैया ये भक्ति नहीं, कहते ये अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति मतलब जहाँ तक होनी चाहे उसको ऊपर दिखाई पड़ता है। कहते अव्याप्ति जहाँ पर भक्ति के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है, व्याप्त नहीं कर रहा है। जैसे चूल्हे में मैया यशोदा ने दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी तो उन्होंने देखा अगर ये दूध उत्पन्न करके आग में गिर जाएगा तो बच्चे राम होंगे, तो फिर मलाई नहीं बनेगी, मलाई नहीं बनेगा तो मक्खन नहीं बनेगा, फिर कृष्ण उसमें क्या खिलाऊंगे। इसलिए मैया बोली लाला बोले नहीं मेरा आधा पेट भी भराने का तो उतर जा, भरपेट मेरे को खिला करके तू जा। भैया देखा फूट भी उपल रहा है और दूध भी उत्पन्न रहा है, दोनों उत्पन्न रहे हैं, अभी क्या करनी चाहिए। बोले मेरे स्तन में जो दूध होते है ही है कृष्ण कभी भी खा सकता है, लेकिन अगर वो दूध और उत्पन्न करे गिर गया तो फिर मलाई नहीं बनेगी, मक्खन नहीं बनेगा। इसलिए कृष्ण को मतलब एकदम झटका लगा कर बैठोगे नहीं, कैसे बैठो यहाँ पर बैठा थे, यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है कृष्ण रो रहा है, कृष्ण रो रहा है। हम बोलेंगे भैया कृष्णानुशीलन इसमें कृष्ण प्रसन्न हो भक्ति, ये तो कृष्ण रो रहे जो भक्ति कैसे बोलेंगे। बोले इसलिए इसको भक्ति बोलेंगे, भक्त के हृदय में क्या बात, भैया की भावना क्या है, कि अगर मलाई कृष्ण के लिए हम बना रहे कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण के भोजन के लिए। इसलिए यद्यपि यहाँ भक्ति दिखती नहीं लेकिन इसको भक्ति कहेंगे, इसको भक्ति कहेंगे। इसलिए इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं सब कुछ किसके लिए करेंगे, भगवान के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए जब हम सारे काम करेंगे उसको ही भक्ति कहते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, भक्त और भगवान की इच्छा के विरुद्ध में कोई काम नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपना इंद्रिय तर्पण की चेष्टा को छोड़ करके कृष्ण इंद्रिय गुरु वैष्णव का इंद्रिय कैसे तृप्ति हो उसी के लिए हमें हर समय प्रयत्न करनी चाहिए। ठीक है, ताई गौर ब्रह्मानंद पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
है।